हे गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी इकोनॉमी सीरीज को, और आज हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग वेल्थ फंड्स, आरबीआई एटसेट्रा, ईटीएफ्स के रिगार्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरेन वेल्थ फंड्स। ओके, सो सॉवरेन वेल्थ फंड्स बेसिकली एक फंड है विच इज ओन्ड बाय स्टेट इटसेल्फ। स्टेट इन द सेंस कि सॉवरन क्या होता है, सॉवरन इज द अल्टीमेट पावर दैट इज रिजाइडिंग इन अ टेरिटरी। सो फॉर एग्जांपल, इंडिया में सॉवरन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सॉवरन वेल्थ फंड की जब बात करते हैं तो इट इज मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और इसका पर्पज जनरली रहता है टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिससे एक तो इन्वेस्टमेंट नीड्स इकोनॉमी की पूरी होती है, सेकेंडली इसमें जो इंटरेस्ट है दैट दैट एक्ट्स एज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। सो लेट्स सी सम ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरेन वेल्थ फंड्स। और सॉवरेन वेल्थ फंड्स सब कंट्रीज के जो प्रोमिनेंट इकोनॉमिक्स हैं उनके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए, इनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, और ये उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको लगता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए दी सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो सॉवरेन वेल्थ फंड्स आर ओन्ड बाय स्टेट, और ये इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जहां पे स्टेट अपने एक कॉर्पस अलग से रखती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स, जहां से वो रेवेन्यू भी अर्न करती है, ठीक है। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड। फर्स्ट, दिस आर ओन्ड बाय स्टेट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज दे आर एस्टैब्लिश थ्रू फिस्कल एंड ट्रेड सरप्लसेस। ऑब्वियसली जो फिस्कल या ट्रेड सरप्लसेस होंगे, अगर आपको सपोज कहीं से एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, बच रहा है, और आपको लग रहा है कि दिस कैन बी यूज फॉर बेटर पर्पसेस, आप उसी को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहे हैं और वहां से फंड्स आप देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दे आर यूज टू स्टेबिलाइज बजट एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन केस ऑफ एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी इन रेवेन्यूज। सी, देयर कैन बी टाइम्स जब आपके पास रेवेन्यूज कम आ रहे हैं, ठीक है। सो उस सिनेरियो में यू कैन यूज योर सेवरल सॉवरेन वेल्थ फंड्स टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर्स दैट यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा रेवेन्यू कम हो रहा है, लेट्स इन द टाइम ऑफ कोरोना आपके पास रेवेन्यू कम हो रहा था, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू और दूसरा जो बाकी रेवेन्यूज है दे वर डिक्रीजिंग। सो इन दैट केस गवर्नमेंट कुड हैव यूज सॉवरेन वेल्थ फंड्स टू इन्वेस्ट इन सेक्टर्स लाइक लेट्स से वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। सो इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी दिस कैन बी यूज टू स्टेबिलाइज द इकोनॉमी। सेकेंड, दे आर टिपिकली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स। सो SWF जो है बेसिकली इट सेज कि टिपिकली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स, ये सही नहीं है। ये प्राइवेट एसेट्स में भी, प्राइवेट कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका काम है कि प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, और प्राइवेट डेट में भी करते हैं। सो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, फॉरेन मार्केट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। सो प्रॉफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। हाँ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी करते हैं, बट प्राइवेट कंपनीज और जहां प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं वहां पर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो आंसर वुड बी D1, 2, and 3। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर ट्रू रिगार्डिंग क्राउड फंडिंग। क्राउड मतलब कि भीड़ से फंड करना, यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनका आपको एग्जैक्ट प्रोफाइल नहीं पता हो, रिमोटली वो लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड फंडिंग काफी फेमस होती रहती है, स्पेशली जब यंग एंटरप्रेन्योर्स क्राउड फंडिंग करते हैं। सो इसको जो है, another term for this is marketplace financing. और क्राउड फंडिंग आजकल ज्यादा फेमस है बिकॉज सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू क्राउड फंडिंग इज वेरी इजी nowadays. ठीक है, इसको एक पीयर टू पीयर फंडिंग का भी फॉर्म कह सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली दैट। ऑल राइट, सो क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से दिस इज अ पूल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आप पैसा इकट्ठा करके अपने प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, ठीक है। सो अब सोशल मीडिया वगैरह के आने के साथ में ये काम आसान भी हो गया और काफी प्रोमिनेंट भी हो गया, ठीक है। और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, दे एक्ट एज प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरमीडियरीज, वो एक्सेस करने का आपको हेल्प करते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग से भी काफी सिमिलैरिटीज है। सो इसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट सही है कि इट इज अ फाइनेंसिंग थ्रू इंटरनेट और सोशल मीडिया। सेकंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग, ये भी हमने देख लिया। सो आंसर वुड बी D1, 2, and 3। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड
funds. So, देखिए exchange trading funds are basically somewhat like mutual funds. होता क्या है exchange traded funds एक combination of काफी सारी securities, काफी सारी stocks का होता है, ठीक है. और suppose भारत बॉन्ड एक एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है जिसमें काफी सारी जो सेंट्रल पीएसयूज हैं उनके स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन बना के एक सिक्योरिटी मार्केट में फ्लोट की जाती है और इंडिविजुअल्स स्टॉक मार्केट से इसको खरीद सकते हैं थ्रू आउट द डे. सो पहली बात होगी इंडिविजुअल्स कैन डायरेक्टली परचेज ईटीएफ, जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है आप अपना पैसा जो है यू पूल इन टू अ म्यूचुअल फंड और वहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं दे इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स. और म्यूचुअल फंड्स में ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज डन ओनली वंस अ डे. सो ये एक डिफरेंस है बिटवीन ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड्स. बोथ ऑफ देम हैव द सेम ऑब्जेक्टिव दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. और ईटीएफ के बारे में अगर हम स्टेटमेंट देखें सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि ईटीएफ आर ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द डे. दिस इज करेक्ट. देन सेकेंड इज that ETFs can be used as a vehicle for disinvestment. This is also correct. आप securities float करें और stocks जब आप बेचते हैं क्योंकि ETFs ultimately stocks का ही एक combination होता है. So आप stocks बेचेंगे तो आप definitely अपनी जो company का share है वो बेच रहे हैं और share बेच रहे हैं मतलब कि आप disinvestment कर रहे हैं. disinvestment का मतलब ही यही है कि आप company के share जो हैं वो बेच रहे हैं जिसके कारण government की जो company में ownership है वो कम हो रही है, ठीक है. और उससे जो पैसा आ रहा है दैट मनी इज यूज फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस. ईटीएफ्स ऑफर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क. सी सपोज आपके पास 20 पीएसयूज का एक मिलके एक भारत बॉन्ड बन रहा है सो डेफिनेटली 20 का जो रिस्क है वो कम होगा एज कम्पेयर टू एक पीएसयू, क्योंकि एक पीएसयू का हो सकता है कि बैंकरप्सी हो जाए, दिवालिया निकल जाए, बट 20 का एक साथ निकलना इज वेरी डिफिकल्ट और इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो जाता है, ठीक है. सो आंसर वुड बी डी. आई होप दिस इज करेक्ट टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म भारत 22 इज रिलेटेड टू, सी भारत 22 इज रिलेटेड टू ईटीएफ्स, ठीक है. ये एक ईटीएफ है जो 22 पीएसयूज का बना हुआ है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेक है और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इसको बनाया गया है. So answer would be B. It is an ETF launched by Government of India. ठीक है, say as simple as that. In which of the following statements are true regarding Bharat Bond ETF? So it will provide liquidity to investors. इसका मतलब यह है कि ये easily बेचा जा सकेगा, easily tradable होगा. और हमने ETFs के बारे में देखा कि they can be traded on stock market. So this is correct. It will deepen the corporate bond market. Corporate bond market का मतलब ये हुआ कि जो corporates हैं वो बॉन्ड्स फ्लोट करें इन द मार्केट, ठीक है, ओके. और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के डीपन होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसको एक्सेस कर पाए. अब आप ₹1,000 से इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो डेफिनेटली आपकी जो बॉन्ड मार्केट है जहां पे ये इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होंगे उसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी, ज्यादा लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे. सो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स की जो डीपनिंग है वो होगी. सो दिस इज ऑल्सो बी ट्रू. इंडिविजुअल्स विल नॉट बी अलाउड टू परचेज दिस इंस्ट्रूमेंट, ये गलत है क्योंकि इंडिविजुअल्स ऑब्वियसली करेंगे तभी बॉन्ड मार्केट डीपन होगी. इट विल बी ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज करेक्ट. सो आंसर वुड बी D1, 2, and 4. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, consider the following statements regarding share buyback. So share buyback का मतलब ये है, for example एक company है जिसको ₹1,00,000 की जरूरत थी, तो इन्होंने क्या किया 100 शेयर मार्केट में किए जिसकी वैल्यू ₹1,000 ईच थी, ठीक है. अब मार्केट में जैसे ये शेयर्स गए तो शेयर्स बिकना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे उनकी वैल्यू जो है बढ़ना स्टार्ट होगी. लेट से आफ्टर 600 शेयर्स इनका जो पैसा जितना चाहिए था वो इनको मिल गया. अभी जो एक्स्ट्रा 400 शेयर है ना, ये कंपनी की जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के स्टॉक्स हैं, उनके शेयर को वैल्यू शेयर को कम कर रही है. तो कंपनी अगर चाहेगी मेजॉरिटी शेयर कंपनी के पास ही रहे, सो इन दैट केस कंपनी शेयर खरीद लेती है वापस, ओके.
और ये प्रोसेस जो होता है दिस इज नोन एज शेयर बायबैक या फिर शेयर रिपर्चेज. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. सेकंड, कंपनी परचेजेस द शेयर्स फ्रॉम द ओनर्स. ऑब्वियसली जिनके पास शेयर्स हैं वो पार्ट ओनर्स हैं कंपनी के. सो कंपनी जब वापस शेयर्स खरीदेगी तो उन ओनर्स से ही खरीदेगी. शेयर बायबैक रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द कंपनी. सी, कंपनी के पास जो पैसा था, मनी जो थी, वो कम होगी इससे. ठीक है. सो ऑब्वियसली जो बायबैक के साथ में एसेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे. सो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंपैक्ट बॉन्ड्स. सो इंपैक्ट बॉन्ड्स बेसिकली आर बॉन्ड्स जो आउटकम ओरिएंटेड बॉन्ड्स होते हैं. यानी कि आपने बॉन्ड्स खरीद लिए, ठीक है, आपने बॉन्ड्स खरीद दिए और पैसा दे दिया एक एजेंसी को, गवर्नमेंट को, तो आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा वापस विद ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के बाद में, एक प्रॉफिट के बाद में, जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव था कि जम्मू और कटरा के बीच में हाईवे बनाना है, आपने 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिया या फिर एनएचएआई को दिया या फिर किसी भी एफकॉन्स को दिया, तो आपको लेट्स से उन्होंने बोला कि हम आपको 1,200 करोड़ देंगे अगर ये 2 साल में कंप्लीट हो गया तब. ठीक है. सो आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट था वो रहेगा विद रिस्पेक्ट, उसका रिटर्न रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द आउटकम ऑफ द बॉन्ड ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. दीज आर सब्सक्राइब बाय गवर्नमेंट. नहीं, ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर सब्सक्राइब बाय प्राइवेट सेक्टर. इनका पर्पज ही यही कि प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेवरेज किया जाए. ठीक है. प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिस द बॉन्ड इश्यूएंस थ्रू रिपेमेंट इज बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन आउटकम्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू. दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फंड सोशल एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स. ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना है दैट इज अ सोशल एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव. सो इम्पैक्ट जो होगा दैट वुड बी इन सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स बोथ. ठीक है. सो आंसर वुड बी सी, 2, 3, and 4. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अबाउट श्योरिटी बॉन्ड्स. सो श्योरिटी बॉन्ड्स का अगर मैं आपको कुछ समझाऊं व्हाट दे आर. सो श्योरिटी बॉन्ड्स बेसिकली वो बॉन्ड्स हैं, इसको इस तरह से समझिए कि अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स से ए इज अ बिजनेस विच इज बीइंग स्टार्टिंग बाय समवन. अब इसको कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन क्यों फाइनेंस करेगा? बी एक इंस्टीट्यूशन है जिसको इस पर्टिकुलर बिजनेस को फाइनेंस करना है. ठीक है. सो इसकी क्रेडिबिलिटी, कोलैटरल, वो सब चीजें मिसिंग होंगी. ठीक है. क्यों कोई एंजल इन्वेस्टर या बैंक इसको फंड करेगा? सो इस केस में एक तीसरी एंटिटी आएगी विच वुड बी सी, और इसको आप कह सकते हैं कि श्योरिटी फर्म होगी. जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन होगा जो बी को कहेगा कि ए अगर अपने फंड्स, अपने लायबिलिटीज, अपने लोन्स पे अगर प्रॉपर टाइम में उनको रिफंड नहीं कर पाए, सो सी वुड बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. सो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज डन थ्रू बॉन्ड्स विच आर नोन एज श्योरिटी बॉन्ड्स. ठीक है. अब ये सी जो है इट विल इशू श्योरिटी बॉन्ड्स विच विल बी बॉट बाय बी एंड द मनी दैट विल दे विल गेट विल बी सप्लाइड टू ए. ठीक है. So let's see the statements regarding surety bonds. A, insurance companies are allowed to issue surety bonds for infrastructure projects. So yeah, this is correct. It can be used as substitute for bank guarantee. हाँ, banks को guarantee नहीं चाहिए. अगर bank से आपको guarantee चाहिए होगी तो bank interest भी extra charge करेगा. ठीक है. सो श्योरिटी बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ बैंक गारंटी. इट विल रिड्यूस इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स. ऑब्वियसली क्योंकि अब श्योरिटी बॉन्ड है तो उनको बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी और इन्वेस्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा जहां पर उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ओके. सो आंसर वुड बी डी, 1, 2, and 3. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मोसा बॉन्ड्स. ठीक है. पहली बात है फॉर्मोसा इज लाइक एंशियंट नेम फॉर ताइवान. ठीक है. ये जीके के थ्रू आपको पता होना चाहिए. सो अगर इसके थ्रू ही सॉल्व करना चाहेंगे, सो दे आर इशूड इन ताइवान. ठीक है. सिंगापुर में तो हो नहीं सकता, सो ये दिस वुड बी करेक्ट. अब सिंगापुर में नहीं होगा और ताइवान में अगर डिनोमिनेशन है तो सिंगापुरियन डॉलर में तो नहीं होगा. ठीक है.
ताइवानीज डॉलर में फिर भी हो सकता है। अब देखिए आंसर आपके पास बनता है या तो 1 and 4 या सॉरी 2 and 4 या 2 only, ठीक है, क्योंकि 2 तो करेक्ट है ही है। तो यहाँ पे 2 and 4 और 2 only का ऑप्शन है, यानी कि 2 options में हमें एलिमिनेशन करनी है। सो इस केस में दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, बिकॉज दिस कैन बी डिनोमिनेटेड इन एनी करेंसी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने भी, कुछ इंडियन कंपनीज ने भी एक ताइवानीज मार्केट में SBI जो बैंक है उसने इन्वेस्ट किया है एंड दे हैव डन इट इन डॉलर्स। सो आंसर वुड बी सी, फॉर्मोसा बॉन्ड है और किसी भी करेंसी में हो सकता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। सी द वर्ड बुलियन इटसेल्फ मींस गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। So, ये नॉलेज अगर आपके पास है, बुलियन एक्सचेंज जो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था उसमें बुलियंस यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ रोल, ओके। सो लेट्स सी, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है इट हैज बीन लॉन्च्ड इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज द फर्स्ट सच बुलियन एक्सचेंज इन द कंट्री टू ट्रेड फिजिकल गोल्ड। जी हाँ, देखिए बाकी जो एक्सचेंजेस कमोडिटी एक्सचेंजेस है वहां पे फिजिकल गोल्ड ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं होता था, यहाँ पे हो रहा है। सो ये फैक्ट्स आपको जाननी चाहिए, ठीक है, ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। तो क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ RBI गवर्नर। लेट्स सी क्या कह रहे हैं। सी RBI गवर्नर की जो टर्म है ना, दैट इज फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है और प्रैक्टिस ये रही है, कन्वेंशन ये रही है कि इट के नॉट बी मोर देन 5 years और यूजुअली 3 साल से ज्यादा पिछले काफी टाइम से नहीं रह रही है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड नॉट एक्सीडिंग 5 years इज द नॉर्म दीस डेज, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है। तो ये 3 फैक्ट जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं, यू शुड नो अबाउट दिस। अगेन अगर किसी को दिख नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा, सो PDF हैज बीन अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो डू विजिट एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर ओनली। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक रिगार्डिंग ये कि बैंक्स रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ RBI फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, दिस इज करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स इज ऑल्सो बींग रेगुलेटेड बाई RBI, सो RBI का रोल हो गया होगा, लॉजिकली यू कैन से यस दिस इज करेक्ट। मैनेजमेंट ऑफ PSUs इज अंडर ड्यूअल रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI, दिस इज करेक्ट। So answer would be C, both 1 and 2. See, PSUs, ultimately they are institutions that are run by central government, and RBI has to have a role in the banking sector, या फिर public sector banks में। क्यों? क्योंकि ultimately banking regulation के जो काम है, that is done by RBI only. Okay. Let's see next question. RBI is a wholly owned by government of India. Yes, this is true. 100% RBI is owned by Government of India. 1949 में RBI become a subsidiary of Government of India. और next part is RBI surplus transfer to the government has steadily decreased in the last 5 years. See, steadily, यानी कि लगातार घटता ही जा रहा है. This is a very tricky term. Usually this is wrong. ठीक है. So ऐसा नहीं है. लास्ट में जाके हम ग्राफ्स दिखेंगे, वहां से पता चलेगा कि स्टेडली डिक्रीज नहीं हो रहा। और ये जो सरप्लस है RBI की, RBI जो बैंक्स को पैसा देता है उसके लिए उसको जो इंटरेस्ट मिलता है, फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करता है उसके लिए उसको पैसा मिलता है, मनी प्रिंटिंग के लिए RBI को पैसा मिलता है जिससे हमने पहले पढ़ा है। सो इस पूरे प्रोसेस में RBI अर्न्स मनी और जो सरप्लस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को RBI दे सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि दिस इज स्टेडली डिक्रीज और स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। एवरेशन हमेशा रहते हैं, ग्राफ कभी भी पूरा ऐसे नहीं जाता या पूरा ऐसे भी नहीं जाता। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, इट्स ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, ऊपर की तरफ जाएगा बट कुछ साल नीचे जाएगा, कुछ साल ऊपर जाएगा, इस तरह का फ्लक्चुएटिंग ग्राफ होगा। सो आंसर वुड बी ए, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ RBI। RBI का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है जिसके अकॉर्डिंगली RBI को डिसाइड करना होता है कि व्हाट विल दे डू विद द मनी दैट दे हैव, हाउ एंड व्हाट आर द रीजंस
दैट देल पुश और पुल मनी फ्रॉम फ्रॉम द इकोनॉमी, या फिर जो सरप्लस पैसा है उनके पास उसका क्या होगा. ठीक है. सो अब इसके स्टेटमेंट्स अगर देखें कि RBI Act of 1935 specifies to keep some contingency buffer. This is true. Contingency buffer in the sense कि economic volatility आ गई. आपको economy में पैसा डालना है. ठीक है. Inflation जो है वो बढ़ती जा रही है. आपकी economy inflation कम हो रही है, growth rate कम हो रहा है. आपको economy में पैसा डालना है ताकि investment बढ़े और industrial activity बढ़े. In that case, you need a contingency buffer. Secondly, RBI Act 1935 specified that a surplus needs to be transferred to Government of India. Yeah, हमने देख लिया कि transfer होती है. But transfer of surplus to India, to Government of India may result in inflation. This is also true. Government को अगर पैसा जाएगा, तो government will increase spending. ठीक है, और अगर spending increase होगी, यानी कि economy में liquidity increase होगी, क्योंकि लोगों के पास वर्कर्स के पास पैसा जाएगा, क्योंकि पैसा दैट वी स्पेंड वुड गो टू वर्कर्स लेबरर्स जो वो काम करेंगे. फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इन्वेस्टमेंट हो रही है, रोड्स बन रही हैं, तो रोड्स का पैसा तो लेबरर्स के पास जाएगा. वो पैसा जाएगा और अगर सप्लाई साइड में मिसमैच है, सप्लाई साइड में वो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज होने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगी. ठीक है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इन द डेट मार्केट्स. सो डेट मार्केट्स बेसिकली हमने देखी है कि बॉन्ड मार्केट्स का कॉन्सेप्ट है, और लिक्विडिटी क्राइसिस की बात की जा रही है. सो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. इट मे बी कॉज ड्यू टू डिफॉल्ट्स इन द डेट मार्केट्स. यानी कि लोअर्ड का मतलब ये हुआ कि सब लोग जल्दी से जल्दी अपना पैसा वापस रिकवर करना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, जिसके कारण देर इज ह्यूज डिमांड फॉर सेलिंग द बॉन्ड्स. लोग अपने बॉन्ड्स बेचना चाहते हैं. ठीक है. इसके कारण देर इज अ हाई चांस कि वहां पे लिक्विडिटी क्राइसिस होगा. इट में भी क्यों, क्योंकि सब बॉन्ड्स खरीदना चाहेंगे तो पैसा कहां से आएगा. बिकॉज ड्यू टू FPIs रनिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट. अगेन FPIs अगर चले जाएंगे तो उसके कारण इकोनॉमी में पैसा कम होगा, यानी कि लिक्विडिटी कम होगा. इट मे बी रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. दिस इज ट्रू. हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना, इंटरेस्ट रेट का ऊपर बढ़ना, यानी कि रेपो रेट वगैरह का ऊपर बढ़ना. उसका एक ये रीजन होता है कि इकोनॉमी में लोन्स मिलना डिफिकल्ट हो जाए, लोन्स डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसके कारण लोगों के पास मनी जो है दैट रिड्यूस. ठीक है. और जो डिपॉजिट्स हैं उन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. सो लोग सेविंग की तरफ ज्यादा जाना चाहेंगे. ठीक है. सो दिस इज आल्सो ट्रू. आरबीआई में डू ओएमओ. ओएमओ स्टैंड्स फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन. इसमें क्या करती है आरबीआई, जो G6 है, ट्रेटी बिल्स है, इनको सेल या फिर खरीदती है. सो हैज टू एब्जॉर्ब एक्सेस मनी, जो एक्स्ट्रा मनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो ज्यादा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है. सो दिस विल आल्सो बी ट्रू और आंसर वुड बी डी. ओके. सो आई होप ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दे कैन ऑलवेज आस्क सच क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन. पैसा निकाल लिया इकोनॉमी से. ठीक है. RBI's liability will reduce to the extent the old notes does not come to the banking system. देखिए आरबीआई की लायबिलिटी क्या हुई है. आरबीआई की लायबिलिटी है जो मनी सर्कुलेशन में है. ठीक है. और मनी सर्कुलेशन का एक पार्ट होता है जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, यानी कि जो लोगों के पास पैसा है. सो जब पैसा वापस नहीं आएगा, डेफिनेटली आरबीआई की लायबिलिटी कम होगी. ठीक है. सेकेंडली, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इलिसिट ब्लैक मनी टू द पब्लिक सेक्टर. हाँ, अगर सपोज ब्लैक मनी है और वो पैसा वापस आ रहा है सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, तो वो अल्टीमेटली वो एक्सेस मनी जो है दैट वुड बी एट गवर्नमेंट डिस्पोजल. क्यों? क्योंकि उसका कोई हकदार तो होगा नहीं. ओके. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, डिक्रीज इन लिक्विडिटी. हाँ, अगर नोट कम होंगे, मनी इकोनॉमी में कम हो रही है, इसका मतलब लिक्विडिटी कम हो रही है. 2000 के नोट अगर सपोज अभी इकोनॉमी से जा रहे हैं,
उसके कारण एक लिक्विडिटी क्रंच तो आएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट उतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। सो आपने अगर 2000 रुपए का नोट दिए हैं तो 500 के नोट निकालने में, उस हद तक निकालने में वो टाइम लगेगा, ओके। सो आंसर हियर वुड बी डी और द अबव, ओके।